नमस्कार। जयपुर में पिछले दिनों मणि पार्क की सूती मिल कॉलोनी में जयदेव की हत्या मामले में पुलिस ने शुक्रवार देर रात दो शूटर्स को गिरफ्तार किए। उनसे पूछताछ में कुछ नए खुलासे भी हुए। 21 सितंबर को हत्या के बाद दोनों शूटर्स हरिद्वार चले गए थे। 13 दिनों तक हरिद्वार रहने के बाद ऋषिकेश चले आए और वहाँ पर रुपये खत्म होने के बाद वापस जयपुर आ गए थे। दोनों शूटर शाम को रुपये लेने के लिए दोस्त के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें दर दबोच लिया। दोनों शूटर ने अजय यादव की हत्या के लिए पंजाब के वांटेड बाबा शूटर और पलिंदर को बुलाया था और इसके बाद मुकेश यादव के साथ मिलकर अजय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बता दें कि एक शूटर मुकेश ने दो दिन पहले ही आत्महत्या कर ली थी। जांच में सामने आया कि अजय यादव की हत्या करने के लिए GPS लगाकर पहले निगरान करने का प्लान बनाया। हिस्ट्री शीटर मुकेश यादव ने जीजा राजेंद्र को अजय की रैकी करने काम दिया और पहले 5,000 रुपये में GPS मंगवाया। 3 दिनों तक प्रयास करने पर GPS नहीं लगा पाए तो बिल्लू ने आशीष और बलजिंदर को अजय घर के सामने ही होटल में 16 सितंबर को कमरा दिला दिया और दोनों ने रात 3 बजे अजय की स्कॉर्पियो गाड़ी में GPS सिस्टम लगा दिया था। पुलिस की गिरफ्त में बिल्लू चौधरी ने बताया कि आशीष को मुंबई से प्लान बनाकर बुला लिया गया था। GPS लगाने के बाद 3 बार अजय को मारने का प्रयास किया। वह कभी परिवार तो कभी बेटे और दोस्तों के साथ मिला था। उसके हत्या करने के लिए कई बार पीछा किया और कई घंटों तक बैठे हुए रहे थे। बिल्लू ने कहा कि अजय को तो पहले ही मार देना चाहिए था, उसे तो मरना ही था। हिस्ट्री हिटर प्रदीप यादव की हालत का जिम्मेदार अजय ही था। बिल्लू हिस्ट्री हिटर प्रदीप का अपना गुरु मानता था और वह 2020 में हिस्ट्री हिटर प्रदीप के गोल लगने के बाद घर पर उसकी सेवा बिल्लू ही करता था। लेकिन अब पुलिस ने अजय यादव हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शूटरों को गिरफ्तार किए हैं।